नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटेक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 में किसी इमेज का बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करेंगे। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन करते हैं। हमें जिस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, सबसे पहले उसे हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ हम इंसर्ट में आते हैं, पिक्चर ले आते हैं जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये हमने ले लिया, इसका बैकग्राउंड सिंगल कलर में है। पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पिक्चर ही अपने स्थान से इधर उधर नहीं हो रही है। नहीं, इसके लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और ये पिक्चर इधर उधर हम मूव कर सकते हैं। इधर रिमूव बैकग्राउंड और ये रिमूवल एरिया, ये पिंक हो गया है। अब जिस एरिया को हमें रखना है उसके लिए हम मार्क एरिया टू कीप टूल सेलेक्ट करेंगे और जिस एरिया को रिमूव करना है उसके लिए मार्क एरिया टू रिमूव सेलेक्ट करेंगे। हम मार्क एरिया टू कीप सेलेक्ट कर लेते हैं और माउस के बटन से मार्क कर देते हैं। ये हमने मार्क कर दिया और अब नीचे आते हैं, इसे भी मार्क कर दिया, इसे भी मार्क कर दिया। अब इसके बाद हम कीप चेंजेस ये क्लिक करेंगे और देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब अगर इसे हम पीएनजी में या जेपीजी में सेव करना है तो हम इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर है सेव एज पिक्चर, यहाँ सेव एज टाइप में पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी यही रहने देंगे। यहाँ नाम दे देंगे इमेज और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम जेपीजी में करना चाहें तो यहाँ से हम सेव एज टाइप बदल देंगे, जेपीजी इंटरचेंजेबल फॉर्मेट जेपीजी, और इसे भी हम सेव कर लें। अच्छा, तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।